दीजिए। गलती हो गई आपसे, गलती हुई या साहिबजादा से, खैर वो छोड़ दीजिए। शरई हिसाब से आपके शौहर के इंतकाल के बाद आप उसकी मालिक होते, मगर आपका काम है कि पूरे बच्चों में बराबर तकसीम करना, जो शरा का हुक्म है। तो एक बच्चे को आप जो दिए, तो आप अगर अपनी कमाई का रहता या आपके वालिद अगर देते, तो वो आप जो है सो जिसको चाहे दे सकते थे। अब ऐसी सूरत में आप ये करें, तो फिर आप ये गिफ्ट डीड कैंसिल भी कर सकते हैं आप चाहे तो। क्या आप करेंगे? आप पूरे बच्चों को देना चाह रहे हैं? हाँ जी। आप बड़े से था, आपसे धोखे से ले लिए ना ये? हो गया ऐसा? नहीं, आप ये बोलिए हो गया ऐसा नहीं, उन्होंने जो भी करे गलत करे, क्योंकि आपको वर्गला है। बोलो आप बड़े से था, गलती से ले लिए। मैं पूरे बेटों को देना चाह रही हूँ। पूरे बच्चों को देना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा जी जी, अम्मा आपका नाम ज़ोर से बोलिए। सिराज फातिमा। सिराज फातिमा जी, आपके कौन से नंबर के भाई करे? तीसरे नंबर के। क्या नाम है उनका? अब्दुलरहमान। आप लोगों की रजामंदी से करे? नहीं बाबा। आप लोगों को इत्तला भी नहीं थी? नहीं। आप लोग कितने भाई बहन है? पाँच भाई। तीन भाई दो बहन। तो शरई हिसाब से बच्चियों का जो हिस्सा होता वो 25% हिस्सा होता, बच्चों का 75%। तो उसूलन ये हिस्से नहीं हुए? नहीं हुए, हमको मालूम ही नहीं। जी आपके वालिद की थी ये? जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, ये थोड़ी सी जायदाद है, ये लगभग अगर उसके हिसाब से देखें तो ये ऐसे लेते रहेंगे। ये थोड़ी सी जायदाद यहाँ पे मौजूद है, इसको अब्दुलरहमान साहब बग़ैर इल्म इत्तला, अपने भाइयों के बग़ैर इल्म इत्तला के ये जायदाद बेच चुके हैं, ऐसा हमारे को इत्तला मिली। अब्दुलरहमान साहब से जब हम पूरी बातचीत करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मगर राबिया बेगम के बयान के मुताबिक, राबिया बेगम अब्दुलरहमान साहब की वालिदा है, उनके बयान के मुताबिक ये पता चल रहा कि ये ज़मीन राबिया बेगम के नाम पे थी, इनको गलत बावर कराकर ये ज़मीन अपने नाम पे गिफ्ट डीड करवा ली गई और कुछ हिस्सा बेच दिया गया। ऐसा हमारे माशरे में ये लोग जो दीन की कमी बोलो या क्या है पता नहीं, ऐसा होना बिल्कुल गैर शरई है। और मैं डेली टेल न्यूज़ और जो भी अहले इल्म हजरात ये बात को कभी वो नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अहमद मुश्तबा खादरी, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ, हैदराबाद। जी आपका नाम सर? अब्दुल्ला अब्दुलरहमान के भाई भाई सगे भाई जी। तो अब्दुलरहमान का पूरा नाम था? अब्दुलरहमान बिन मंसूर। मंसूर आप लोग कौन सा कभी? अलकसे। तो यही हैदराबाद में रहते हैदराबाद एसी का जमाना है। अच्छा आपका नाम? आप इनसे क्या बेटे छोटे थे? अच्छा, जब ये लोग अब्दुलरहमान साहब ये ज़मीन बेच रहे थे या फिर जो सब कुछ ऐसे आप लोग रोके क्यों नहीं? नहीं नहीं जी, अच्छा अब आप लोग अपनी क्या स्टेटस भी बनाएंगे, क्योंकि हम देखिए हम जब तक इसको टेलीकास्ट नहीं करते जब तक अब्दुलरहमान साहब से भी हम पूरी वसीयत नहीं ले सकते, तो उसके बाद आपको जो है इंशाल्लाह ताला दो दिन के अंदर आपको नतीजा भी आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है इंशाल्लाह। और हमारी बगैर जब ये डेवलपमेंट हो रहा था तो ये हमारे किराएदार है, हम जो चला करते हम आके अब ये चार। तो कितने गज बेच दिए? 18 गज बेच, ये भी बेचने की कोशिश में है दूसरे वो हमको मालूम हो तो हम आके बता। अच्छा आप लोग खुद बैठे हैं। अच्छा ये बताइए उन्होंने पहले जो 18 गज या 21 गज जो भी बेचे वो कितने में बेचे? वो हमको इतना नहीं है। नहीं आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन आदाब, मैं अहमद मुश्तबा खादरी डेली टाइम न्यूज़ के लिए। ये एक अजीबोगरीब वाक़या है जो अपनी माँ को धोखा दे के एक फर्जंद ये जायदाद बेच चुके हैं। ये 39 गज की जायदाद थी,
इसको अभी 19 गज बेच चुके हैं, अब 21 गज है, 21 गज पे उनका कब्जा है और अपनी माँ को धोखे से गिफ्ट डेट करवा लिए माँ से। ये ज़ईफ माँ है, इनको धोखा देके, इनको धोखा देके अपने कौन से नंबर के फर्जंद है वो, क्या नाम है उनका, तीसरे नंबर के फर्जंद अब्दुलरहमान, जो माँ को तकरीबन 87-88 साल की उम्र में इतना बड़ा धोखा दिए और साथ ही साथ अपने भाइयों का हक मार के, पता नहीं ये कैसे जो है सो इनके जहन में आया, मगर जो भी है ये गलत किए हैं। आपने सबको पता है निशात होटल की पार्सल सर्विस का, 100 आदमियों की चिकन बिरयानी खुबानी के मीठे के साथ सिर्फ 7,500 रुपए और 50 आदमियों के लिए 4,000 रुपए। और आपको ये भी बता दें कि अब प्योर पोटे के गोश्त, असली घी और असली जाफरान से बनी मटन बिरयानी 100 आदमियों के लिए खुबानी के मीठे के साथ 11,000 रुपए में। और पार्सल के लिए कॉल करें निशात होटल, ईदगाह मीरालम, ताड़बन, हैदराबाद।